देवास के जनपद पंचायत के भवन के नीचे करीब 9 दुकानें चल रही हैं और सभी दुकानें बीजेपी और कांग्रेस नेताओं के नाम पर हैं। इन सभी को 1999 में जनपद पंचायत ने लीज पर आवंटित की थी। तब इन दुकानों का किराया महज 300 रुपये था। 15 साल पहले उच्च न्यायालय ने दुकानों को खाली करने के निर्देश दिए थे, लेकिन ना तो दुकानदारों ने दुकानों को खाली किया और ना ही जनपद पंचायत के अधिकारियों ने इस मामले में दिलचस्पी ली। आज हालत यह है कि दुकानदार किराया तो 300 रुपये दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने इन दुकानों को दूसरे आदमी को किराए पर दे दिया है और 10,000 से ज़्यादा का किराया ले रहे हैं। नगर निगम देवास के सामने जो जनपद पंचायत की बिल्डिंग है, जिसमें ऊपर हमारा जनपद पंचायत का कार्यालय संचालित होता है, उसके नीचे कुछ दुकानें हैं जो पूर्व के समय में किराए पर दी गई थी, जिसके संबंध में विवाद प्रचलन में था। न्यायालय द्वारा आदेश भी पारित किए गए थे, जैसा कि बताया गया है। इसके बाद ये शिकायत आई कि शायद किराया वहाँ पर बहुत कम है और जो हटाने के आदेश दिए थे न्यायालय द्वारा, उसकी कार्रवाई अभी भी लंबित है और जो पहले किराएदार थे उसकी जगह पर किसी और को सबलेट कर दिया गया। तो इसकी जो शिकायत है संज्ञान में आने के बाद ही जो संबंधित जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी हैं जनपद पंचायत देवास की, उनको निर्देशित किया गया कि एक बार न्यायालय के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आदेश हैं, एक बार उनकी स्टडी करें, जो पूर्व के समय के जो लीज एग्रीमेंट्स हैं उनको भी स्टडी करें और उसको देखते हुए जो भी न्यायालय के जो आदेश हैं उनका पालन करें। कोर्ट के आदेश की हो रही अवहेलना। देवास एबी रोड पर, यहाँ पर जनपद पंचायत है जहाँ पर 9 दुकानें हैं और एबी रोड पर ये दुकानें, इन दुकानों की कीमत लाखों रुपए, उनके किराए की बात करें तो किराया भी कहीं ना कहीं इनका 20 से 25,000 रुपये महीना होना चाहिए, जो आज 200, 500, 300 रुपये किराए में चल रही है। जहाँ तक दुकानदारों की बात करें, किराया भी नहीं दे रहे हैं। हमारे साथ जनपद पंचायत से मैडम है। मैडम, किस तरह से ये दुकानदार हैं, कितनी दुकानें हैं, क्या इनका किराया है, कितने आपने नोटिस दिया, पूरा विस्तार से बताएं आप। देखिए, यहाँ पर करीब 9 दुकानें हैं, जो कि 15 साल पहले एक हाईकोर्ट का ऑर्डर आया था, जिसमें कि यहाँ पर जो भी अभी काबिज है इनको बेदखल करने के लिए कोर्ट के द्वारा आदेश दिए गए थे, किंतु इनके द्वारा अभी तक दुकानों को खाली नहीं किया गया है और ना ही ये लोग प्रॉपर टैक्स दे रहे हैं। ये टैक्स भी हमें करीब 400-500 प्रति माह के हिसाब से ही दे रहे हैं और अभी तक बेदखल की कार्रवाई के लिए हमने नोटिस भी पूर्व में जारी किए, लेकिन अभी कोई प्रभावी कार्रवाई हुई नहीं है और इसमें जो भी कोर्ट का आदेश है उसमें हम प्रभावी कार्रवाई करने के लिए आगे कार्य करेंगे। मैडम, आपने कोर्ट का आदेश हुआ, दुकानदार किस तरह से दुकान खाली क्यों नहीं कर रहे हैं, किस तरह की दादागिरी या हम बात करेंगे नेतागिरी आड़े आ रही है इसमें? इसमें अभी तो जैसे मुझे एक वर्ष ही हुआ यहाँ पर आए हुए, लेकिन मैंने एक बार नोटिस जरूर इसमें टैक्स के लिए जारी किया था और इसमें हम जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो करेंगे। देखिए किस तरह से मैडम मुस्कुरा के बोली कि जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी हम करेंगे, लेकिन ये सब बड़ा सवाल उठता है कार्रवाई कब होगी। 15 साल पहले कोर्ट ने नोटिस दिया, बल्कि इन दुकानों को बेदखल करने का, दुकान खाली कराने का नोटिस दिया, लेकिन अधिकारी हाथ पे हाथ धरे क्यों बैठे हुए हैं। इस वक्त मैं खड़ा हूँ देवास के एबी रोड पे। देखिए, देवास का एबी रोड है ये, सामने नगर निगम कार्यालय है। नगर निगम कार्यालय के जस्ट सामने हम बात करें तो ये जनपद पंचायत का ऊपर कार्यालय है। यहाँ पर जनपद पंचायत द्वारा ये 9 दुकानें यहाँ पर किराए पे दी गई थी, जिनको नोटिस भी दिया गया है, लेकिन यहाँ के दुकानदार प्रॉपर किराया भी नहीं दे रहे हैं, कि जो किराया दे रहे हैं वो नॉमिनल है। हम बात करेंगे यहाँ के दुकानदारों से। दादा, क्या शुभ नाम है आपका? सनी भाव सर। सनी जी, कहाँ पर आपकी दुकान है? ये यहाँ पर नगर पंचायत में। पंचायत जी, कितना किराया दे रहे हैं आप? इसका किराया दे रहे हैं 10,000 रुपये। 10,000 रुपये किसको दे रहे हैं आप किराया? अपना चौहान ट्रेवल्स। चौहान ट्रेवल्स, चौहान ट्रेवल्स 10,000 रुपये किराया दे रहे हैं, ये गुमटी का जी, इतनी सी दुकान का जी। देखिए किस तरह से ये दुकान है, इसका किराया ये बता रहे हैं दुकानदार 10,000 रुपये महीना किराया दे रहे हैं, जबकि यहाँ के जो जनपद पंचायत की मैडम है कि हम दुकान किराया 300-350 रुपये महीने के हिसाब से दे रहे हैं। वहीं दुकानदार पे, यहाँ पर जो दुकानदार यहाँ पर नहीं है, इनका कहना है स्टाफ का भैया नहीं है। देखिए, ये भी दुकान है मोबाइल की, यहाँ पर बात करें पूरा मोबाइल मार्केट है। यहाँ पर भी दुकानदार हम बात करें। दादा, क्या शुभ नाम है आपका? किसकी दुकान है? भैया है? भैया कहाँ पर है? भैया अभी गए हुए हैं घर पे। ये दुकान किराए की भैया खरीदी हुई है? मुझे नहीं आना। ठीक, किस तरह से यहाँ पे जो दुकानदार है संचालित, तो उनका कहना है कि हमको भी नहीं मालूम दुकान किराए की है या हमने खरीदी है। हम बात करेंगे यहाँ पर ट्रेवल से कांग्रेस के बड़े नेता हैं, बात करेंगे। दादा, क्या हाल चाल है? दादा, किस कहाँ पर दुकान आपकी?
ये नगर निगम के सामने ए बी रोड पर। कौन से भवन में? नीचे जनपद पंचायत मार्केट। दादा ये दुकानों का कितना किराया है? किराया यार बालक भरता मुझे अंदाज नहीं है। बालक भरता मुझे अंदाज नहीं है। क्यों, क्या हो गया? खरीदी हुई दुकान है सर। खरीदी हुई दुकान। देखिए इस तरह से यहाँ के जो दुकानदार है शर्मा जी हैं, इनका ट्रेवल्स का काम है, साफ तौर से कह रहे हैं खरीदी हुई दुकान है, मेरे को नहीं मालूम, बच्चे ने खरीदी थी। ये बात करें तो ये जो जो नौ दुकान बताई है, जब कैमरे की नज़र से देखा जाए तो दुकान ज़्यादा हैं, लेकिन यहाँ देखिए दो दुकान है, एक दुकान है, इसके नीचे इसके ऊपर ही जनपद पंचायत का ऑफिस है। जनपद पंचायत के सबसे बात करें तो नौ दुकान उन्होंने बोला है, जबकि ज़्यादा दुकान दिखाई दे रही है। आपकी दुकान कहाँ पर है? पास में। नहीं, कौन से ऑफिस के नीचे है? जनपद पंचायत के नीचे। क्या दुकान नंबर है? चार। क्या दुकान है ये, खरीदी आपने? कितने साल पहले खरीदी? सबने खरीदा, 30 सालों का खरीदा सबको। अच्छा, खरीदने के बाद भी किराया दे रहे हैं? किराया देते हैं, मतलब बीच में लिए आप? हाँ। क्या किराया इनका? पूछना पड़ेगा यार, वाले से पूछना पड़ेगा। लोग किराया यार।